ना दोस्तों दोस्तों ये वीडियो ना एक आप हर बार कहते हो कैनल सेटअप दिखाओ कैनल सेटअप दिखाओ। देखिए अच्छी चीज दिखाओ, थोड़ी दिखाओ, अच्छी चीज दिखाओ। आज मैं जिनके पास आया हूँ ना भाई साहब के पास, अगी जो है अंबाला के एक अच्छे ब्रीडर भैया क्या हाल है पहले आपका? ये ठीक है जी, आप सुनाइए कार्तिक जी। अच्छा भैया, आपने जो कैनल नया बनाया है सेटअप, वो कहाँ पर बनाया पहले ये बताओ। देखो जी, हम फैमिली जो है किसान फैमिली है, जमीन हमारे पास है यहाँ 20-25 एकड़ जमीन हमारे पास यहाँ, तो अपनी ही जमीन में बनाया जी हमने। चलो देखते हैं इनके पास क्या क्या फैसिलिटी है। ज्यादा हम लंबी नहीं करेंगे वीडियो, शॉर्ट वीडियो रखेंगे कि आपको हर चीज दिखा सके। और नए जो ब्रीडर बनना भी चाहते हैं या पुराने भी हैं, अगर उन्होंने कैनल सेटअप बनाना है तो ये प्लीज वीडियो पूरा देखना, आपको पूरी डिटेल में ये वीडियो में दिखाया जाएगा कि त्यागीज रॉटवाइलर ने जो नया सेटअप बनाया क्या क्या सोच के बनाया और क्या क्या चीजें बनाई है। प्लीज ये पूरा वीडियो देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना यार, ठीक है? अभी देखते हैं अगला वीडियो। 8-10 किलोमीटर है ये जमीन है हमारे पास थोड़ी सी, और ये भैया ने बनाया लाल किला नाम भी लाल किला रखा भैया इसका, क्या रखा वैसे? हमें ये कलर पसंद है जी, ये जाएगा रॉयल कलर है। पहले मैं बाहर से दिखा देता हूँ भैया, आप पहले बाहर से दिखाइए इसका, बाहर से आउटर टूर करवाइए। क्यों आपने ये चीजें ऐसे बनाई है, बाहर से क्या बनाया ये भाई? बाकी जैसे आप कह रहे हैं कि भी बाहर से दिखाई जाइए, आप बाहर से शुरू करते हैं जी। पहले जी ऐसा है, रॉटवाइलर जैसा भी सबको पता है वर्किंग ब्रीड है, और रॉटवाइलर को खेलने कूदने घूमने फिरने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए जगह चाहिए। देखो जी, ये हमने पार्क बनाया हुआ है अपने रॉटवाइलर्स के लिए, ठीक है? मतलब जो एक्सरसाइज करवाते हो जी, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रैक्टिस करा लेते हैं, बाकी वैसे एक्सरसाइज कराने के लिए हमने आगे जगह छोड़ी हुई है जो आप सड़क से छोड़ रहे हो, और कैनल के पीछे जगह आगे तक छोड़ी हुई है, क्योंकि जमीन हमारी है तो अपना जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ये 200 बनाया है, सुबह शाम जो एक्सरसाइज करवाते हैं डॉग्स को उसके लिए बनाया हुआ है। और ये जगह इन्होंने कितनी छोड़ी है भैया, कोई आइडिया हो जाए? जगह करीबन ये लगा लो जी 350-400 गज जगह ये पार्क की है, ठीक है? और 500 गज जगह में हमने अपना कैनल बनाया, मतलब अपने टोटल 1100 गज में अभी कवर किया। फिर आगे जो जगह हमने छोड़ी हुई है स्विमिंग पूल के लिए, ठीक है? वो स्विमिंग पूल तैयार होगा धीरे धीरे बनाएंगे जी, किसान बंदे हैं, गर्मियों में हो जाएगा। और ये गन्ने की खेती भी करते भाई साहब? हाँ जी। कैनल दोस्तों ऐसा क्यों मैं सेटअप दिखा रहा हूँ कि कल को किसी ने फॉर्मेशन करनी हो इसकी, तो अगर बनाना हो फाउंडेशन पूरा तैयार करना है तो आपको पता होना चाहिए। ये इनका कैनल का डोर है जो मेन रखा है इन्होंने, फिर अंदर चलते हैं। ये सबसे पहले तो ये आ गया ना, ये क्या चीज है पहले ये बताइए? ये जी रन थ्रू है, ठीक है? रन थ्रू है, जैसे मान लो सर्दियों में जो है जैसे ही 10-11 बजे धूप निकल जाती है, ठीक है? तो इसमें हम अपने डॉग्स छोड़ देंगे, मिट्टी हमने नीचे रखी कच्चा रखा हुआ है, जैसे कि भी सब बताते हैं और डॉक्टर्स भी बताते हैं कि भाई बालू रेत होना चाहिए इनके नीचे डॉग्स के लिए। 1-1.5 घंटा जब डॉग्स आराम से खेलेंगे कूदेंगे है। ये भैया कितने बनाए हैं आपके पास डॉग, कितने हैं यहाँ पर? मेरे पास जी 18 टोटल डॉग है जी, 18, ठीक है? ठीक है, ठीक है जी। जैसे मान लो 12 फीमेले हैं बड़ी, 3 मेरे पास स्टड डॉग हैं, और बाकी छोटे बच्चे जो तैयार करने होते हैं, तो टोटल 18 डॉग्स है मेरे पास, ठीक है? ये अभी आपने कितने बनाए, मतलब ये 18 ही बनाए या कम बनाए? 18 नहीं बनाए हैं जी, ये 10 हैं जी, ठीक है? एक एक में दो दो डॉग आराम से जा सकते हैं, ठीक है? उसके पीछे हमने जगह छोड़ी हुई है, जो आगे आपने जगह छोड़ी हुई है, कम से कम 600 गज जगह हमने छोड़ दिया, उसको कवर करेंगे अभी, बाउंड्री कराएंगे, ठीक है? ठीक है, ये सीढ़ियां आपकी पहले आ गई, ये छत के ऊपर पानी टंकी वंकी सब ऊपर रखी हुई है, ठीक है? ये हमने बीच में एक अपना सबमर्सिबल लगा दिया था साथ के साथ ही, ठीक है? और ये एक छोटा सा पार्क इसमें बन जाएगा जी, ठीक है? अच्छा, इधर से जैसे मान लो आओगी, ये हमारा भाई कोई मान लो दूर से आ जाता है बंदा, अब जैसे आप ही आगे, ठीक है? तो ये हमने एक गेस्ट रूम बनाया हुआ है, टीवी टूवी सब कुछ लगा दिया आपने? बस जी बस जी, वो तो देखो बंदा बोर हो जाएगा नहीं तो, ठीक है? हाँ, और मतलब गेस्ट जैसे कोई आपके पास बच्चा लेने आता, बच्चा लेने आ गया जी कोई दूर से बंदा, अब उसको बंदे को बेचारे को होटल में छोड़ के आए, वो कहेगा ले यार इतना बड़ा कैनल है, या भाई जैसे मान लो बंदा सोचता ही है कि यार पास रहे थोड़ा टाइम बिताए, कुछ चीज पूछनी है बतानी है, उसके लिए अपना आराम से यहाँ रह सकता है जी बंदा। हाँ, जैसे बच्चा आप लेने आते हो तो हमेशा लीटर भी देखो अपने ध्यान से, बिल्कुल। ये मैं सबको कहूंगा जी, देखो कि मदर फादर देखे बिना कभी जिंदगी में बच्चा नहीं लेना चाहिए जो है,
ये जी टाइले हमने 4-4 फुट टाइले पूरी चारों तरफ इसलिए लगाई हुई है कि जैसे डॉग लेके निकलते हैं, डॉग्स जैसे दीवार पे लगते हैं ना तो दीवारें सब गंदी हो जाती हैं। अच्छा, आपने टाइल ही लगवा, टाइले ही लगवा दीजिए इसलिए जो है। ठीक है भैया। और इधर मेरा ये मेन जो हमने बनाया हुआ है, ये हमारा 5x8 का एक कैबिन है। ये देखिए, ये आपने 5x8 का रखा होगा। हाँ जी, 5x8 का रखा हुआ है ताकि लोग बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। ये देखिए, ये आप अकेले अकेले भी रखेंगे? अकेले अकेले ही रखेंगे जी। एक्चुअली क्या, और ऊपर आपने पीओपी करा रखी है? नहीं, पूरा दिखाइए ना फिर। पीओपी करा रखी है ऊपर, पीओपी कराई है जी ऊपर। और ये हमने लेंटर डलवा के, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना जी, टिन के टिन डाल देते हैं उधर उधर, तो डॉग से वैसे बातें नहीं करने देते। ये त्यागी भाई साहब का दूसरा, इन्होंने जो मतलब सेम ही एरिया में दूसरा रूम हॉल बनाया हुआ। फीमेल जो है कोशिश रखनी चाहिए कि भी अलग अलग रहे, क्योंकि जब फीमेल सीजन पे आती है, हीट पे आती है, जैसे हीट पीरियड कह देते हैं, तो डॉग मेल डॉग परेशान हो जाता है, जो स्टड डॉग जिसको कहते हैं, तो इसलिए हमने पूरा अलग अलग से अपनी फीमेल्स के लिए बनाया है। अच्छा, वो मेल के लिए? हाँ जी, वो बिल्कुल सेपरेट मेल के लिए है। तो आप देखिएगा, ये 5x8 का एक बनाया हमने कैबिन, क्योंकि मेरी ये सोच है देखो, जो डॉग जितना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा उतना हेल्दी रहेगा जो है और उतना ही एक्टिव रहेगा। आवाज यहाँ गूंज रही है वैसे। ये आपने इसका रखा है? ये इसलिए रखा हुआ है, ये देखिए उधर से मान लो किसी डॉग ने वहां पेशाब कर दिया, या भी इसकी वॉश हमने धोना है इसको, तो पानी यहाँ से वेस्ट पानी निकालने के लिए जो आएगा सीधा वो उधर हमारे टैंक में हमने इसका कनेक्शन कर दिया जी। ठीक है, ये सारा सभी कैनल्स का यहाँ सभी में दिखेगा ये आपको बिल्कुल एक तरह का। ये देखिए जी, ये ऊपर टाइल लगा दिया? हाँ जी, टाइल इसलिए लगा दिया क्योंकि ज्यादातर डॉग क्या करते हैं ना, दीवार को खुरचने लगते हैं पैरों से, तो वो दीवार सारी सीमेंट उतर जाती है, इसलिए हमने पहले ही इसमें टाइलें लगा के, और ये चीजें हमने पूरा 9 इंची दीवारें करी हैं। लोग क्या करते हैं जी, बहुत से लोग करते हैं ऐसे, लोहे की जाली आती है जो, वो जाली लगा देते हैं, उसमें दिक्कत सबसे मेन क्या आती है, हालांकि ये थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है इस चीज में, और जाली में दिक्कत आती है, लोग एक दूसरे को देख के सारे दिन भौंकते हैं, जाली में पैर मारते हैं। एक मतलब इस तरफ रख दिया, दूसरी तरफ देख ना सके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी हमने एसी का ऑप्शन, एसी मारे 2 एसी का ऑप्शन हमने छोड़ा हुआ है इस हॉल में। ठीक है, ये पीओपी भी भाई साहब यहाँ पर भी करवा दीजिए। क्योंकि मेरी एक सोच है जी, जैसे बंदा अपने घर में चाहता है ना, अपनी कोठी में चाहता है, वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग उसी तरह से कंफर्टेबल रहे। हर कैबिन आप आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल कोशिश ये करी गई है कि साफ सुथरा रहे बिल्कुल जो है, और मजबूती रहे कैबिन में। अच्छा, ये सारा वेस्ट पानी यहाँ से चलता है? वो सीधा वहाँ चला जाएगा जी, टैंक में। ठीक है, ये आ गया जी। सारों में वो टाइले लगाई हुई उसी हिसाब से जी, एसी के ऑप्शन छोड़ दिए जाएंगे, या 2 एसी के टेबल भी कर देंगे, और लेंटर इसलिए डालना हो गया है जी, 11.5 फुट पे कम से कम लेंटर डालना चाहिए बंदे को जो है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं टिन डाल देते हैं। अब यार टिन में कोई अपने आप सो के देखे ना जरा एक बार, तब उसको पता लगेगा कि टिन कितनी गर्म हो जाती है गर्मी में। ये कितने बाय कितने का हॉल होगा ये आपका? ये है जी 18.5x110। ये 2 हॉल आपने ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक हम किचन भी देख रहे हैं। किचन किसके? हाँ, ये किचन हमारे डॉग्स के लिए ही है। देखो यहाँ जो भी कोई चीज है वो डॉग्स के लिए है हमारे। ये हमने अपना सारा तैयारी इनकी हो गई है जी। और इधर आइए जी कार्तिक जी, ये मैं आपको दिखाऊं, ये अपना टॉयलेट बाथरूम हमने। अच्छा, कोई गेस्ट आया हो? हाँ जी, कोई गेस्ट आ जाए, कोई बच्चा लेने आ जाएगा, तो ये हमने अपना बना रखा जी अटैच। ठीक है, और ये एरिया आपने बैठने बुठने के लिए बनाया? बैठने वगैरह के लिए अपना यूं है जी, आराम से बंदा बैठ जाए, जैसे धूप निकली हुई है। अच्छा भैया, एक सवाल और। हाँ, जैसे आपने ये कैनल बनाया? हाँ जी। मुझे यहाँ पर वेल्पिंग रूम नहीं दिखे आपके? वेल्पिंग रूम जी, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, सबसे वैलिड क्वेश्चन एक भाई साहब। हमने वेल्पिंग रूम बनाया हुआ है अपनी कोठी पे, अपने घर पे वो लग रखा। हाँ, घर है जी हमारा करीबन 700-800 गज का घर है, जैसे मान लो
ट्रैक्टर वगैरह भी खड़े करने पड़ते हैंगे, तो इसलिए जगह काफी रखनी होती है गांव के बंदों को, तो जरूरत है इस चीज की। साथ साथ हम चलते जाते हैं ऊपर, छत भी दिखाते हैं। आइए जी, कैनर पूरा। अच्छा, वेल्पिंग रूम आपने अलग क्यों रखा है? अलग इसलिए रखा है जी, देखो क्या होता है ना, बड़े डॉग्स है यहाँ सारे के सारे, जो है फीमेल जब बच्चे देती है तो उसको जितना ज्यादा आप रिलैक्स रखोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए हमने अपने घर बिल्कुल सेपरेट रख देते हैं। अपनी फीमेल जो है वहां ले जाते हैं, फिर वहां इजी भी रह जाता है हमारे लिए कि भी जैसे मान लो फीमेल ने बच्चे दिया, अब हर 3 घंटे में दूध पिलाना है उनको, या कोई बच्चा मान लो कि कई बार ऐसा भी होता है अभी बीमार हो जाता है, तो वो 24 घंटे हमारे सामने है, हमें पता है कि हाँ भी ये बच्चा गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा। एक सवाल और, चलो वेल्पिंग रूम घर में हो गया, यहाँ पर हो गया, ये जगह क्यों चुनी? बिल्कुल आस पास है ही नहीं है कोई भी, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन कि शहर में लोग नहीं बन, शहर में कई बंदे, अब शहर में जगह होगी उनकी, हाँ हाँ। तो शहर में बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? यहाँ पर देखिए ना, बिल्कुल एक घर नहीं है, ये देख ली दोस्तों, कोई घर नहीं है, सिर्फ त्यागी जी ने यहाँ पर लाल किला खड़ा किया, उसका रीजन क्या था? देखो जी, ऐसा है कार्तिक जी, सबसे पहले तो आप खुद फील करके देखो एक चीज को, कि भी शांति है ना, शांति पूरी है ना, शांति। हाँ जी, तो डॉग्स को भी यार हम तो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, जो है जैसे हम रहना चाहते हैं, अब शांति आराम से, अब थोड़ी बहुत चलो जमीन मारी है यहाँ चारों तरफ ये वाली जाएगा, तो हमें अब जैसे मान लो कोई घर बनाएगा तो हम ही बनाएंगे ना यहाँ, तो ठीक है, और शांति इतनी है कि यहाँ भी आराम से डॉग्स अपना खाना पीना खा के खेल कूद के अपना आराम से सो जाते हैं, इस कारण से हमने ये अपनी जगह चुनी। और शहर में तो भाई आपको पता ही है, शहर में इतना शोर शराबा है, और सोसाइटी में देखो जी, मैं एक बात कहूंगा, सोसाइटी में रोटवाइलर्स इतने ज्यादा नहीं रख सकते आप, मान लो आपने एक डॉग रख लिया, दो डॉग रख लिए, पड़ोसी तंग करते हैं, फिर कहते भी आपका कुत्ता बड़ा फेरोसियस हैगा, यार देखने से ही तो फेरोसियस है बेचारा, नहीं तो इससे रॉयल ब्रीड तो कोई हो ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कारण है ये त्यागी जी की। चलो एरिया भी हमने ऊपर से भी दिखा दिया, ये पूरा ही हमने कैनल सेटअप टूर का एक वीडियो क्यों बनाया कि कल को किसी को बनाना भी हो तो भाई साहब पूरा एक प्रॉपर आप सोच के बनाइए कि क्या क्या ये चीजें होनी चाहिए भाई। हालांकि देखो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बट जो जितना थोड़ा बहुत मेरे बस का था मैंने कोशिश ये करी है कि मेरे डॉग बिल्कुल कंफर्टेबल रहने चाहिए। त्यागी जी, ये तो हो गया आपका कैनल सेटअप का वीडियो, अब हम अगले वीडियो में आपके डॉग सारे दिखाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, दिखाएंगे जी। और कोई आप कहना चाहते हो जो कैनल नए बनाना चाहते हैं या जिनके पास कैनल नहीं है, उनको क्या कहना चाहते हैं कि डॉग्स रखने का क्या होना चाहिए? भाई देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने डॉग्स रखने हैं, नो डाउट देखो जी प्रोफेशनल लोग हैं भाई, अपनी पैसे कमाने के लिए भी डॉग रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने भी रखे हुए हैंगे, पर अगर कोई इनको रखना चाहता है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है भाई, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इनके लिए कैनल बनाना, और इनके लिए एक अच्छी ऐसी जगह है जहां ये बिल्कुल कंफर्टेबल रह सके, ये नहीं कि भी छत के ऊपर आपने 4 केज लगाए जाएगा और उसमें 10 जानवर रख लिए, वो कोई तरीका नहीं है इन जानवरों को रखने का, इनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखना पड़ता है, और कैनल तो मस्ट है भाई, कैनल मस्ट है, कैनल होना चाहिए जो मर्जी, बिल्कुल होना चाहिए जी। मैं तो बल्कि कार्तिक जी आपसे भी एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों के तो आप जो है ना, चाहे वीडियो भी मत बनाओ जिनके पास कैनल नहीं है, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए भाई यार पैसे कमाने के लिए ठीक है, चलो भी पैसे कमाने हैं बंदे ने डॉग्स रखे हुए हैं, पर यार उनके कंफर्ट का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, बिल्कुल डॉग अपने कंफर्ट में होने चाहिए। अब यार पैसे, आप एक चीज देखो कार्तिक जी, मैं भी आप 20-25 लाख रुपए मेरे लग गए यहाँ भाई, हम किसान आदमी है, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के अपना ये बनाया, अगर मैंने टोटल पैसे ही कमाने के लिए जानवर रखने होते तो भाई मैं 25 लाख रुपए के 2 कुत्ते लाता सर्बिया से, और पूरे इंडिया में मेरा नाम हो जाता कि यार इकट्ठे 2 डॉग लेके आया, इतने महंगे डॉग लेके आया है भाई, हमने तो भाई पहले अपना यूं बनाया इनका कंफर्टेबल जोन, और कैनल इसलिए बनाया कि भाई डॉग तो ले आएंगे, पहले उन्हें रखने की जगह बनाओ। कैनल बॉय कितने रखे हैं आपने यहाँ पर? कैनल बॉय ऐसा है जी, यहाँ पे एक तो है योगेश त्यागी, है खुद ही कैनल बॉय, खुद कैनल बॉय है जी, और 2 मेरे भतीजे हैं जी। आप खुद की फैमिली मतलब ये रन कर रही हो? बस जी बिल्कुल जी, हम नौकर, हम तो खुद ही नौकर है जी, हम क्या नौकर रखे। कैनल में टाइमिंग क्या आपकी आने की? देखो जी सुबह आ जाते हैं अपना हम 6 बजे यहाँ, सुबह 6 बजे। हाँ जी, सुबह 6 बजे आ जाते हैं अपना, इनका खाना वाना तैयार करवाने में करने में 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं भाई, साफ सफाई, फिर इनको घुमाने में,
इनको थोड़ा एक्सरसाइज कराने में, मतलब ये है सवेरे हमें 4 घंटे सवेरे लग जाते हैं करीबन करीबन, और शाम को करीबन करीबन 3-4 घंटे शाम को लग जाते हैं जी। त्यागी जी मैं एक बात बता दूं, ये व्हाइट कॉलर मैन थे पहले, ये चलो ब्रीडिंग में आ गए, अब मैं इनका रियलिटी बताता हूँ। ये आप कहाँ पर जॉब करते थे पहले? मैं फाइजर में जॉब करता था जी। फाइजर जो है वर्ल्ड्स की नंबर वन कंपनी है मेडिसिन में, ठीक है, और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ साइंस में। बट ये अभी किसान है हम लोग, देखो जॉब ज्यादा दिन हमारे से हुई नहीं, फिर देखा कि भाई जानवरों से तो प्यार किसानों को होता ही है। लास्ट सवाल पूछता हूँ, ब्रीडर या ब्रोकर? मैं नहीं, आपका नहीं मैं कह रहा, हाँ? कि ब्रीडर में मेहनत ज्यादा या ब्रोकिंग करने में मेहनत ज्यादा? भाई साहब ब्रोकरी में क्या मेहनत लगेगी, ब्रोकरी तो आप फोन उठाओगे, फोन करोगे, हाँ जी बच्चा पढ़ा है, हाँ पढ़ा है जी, हाँ जी भाई साहब फलाना बंदा आ रहा मेरे 10,000 रुपए रख लेना और बच्चा पकड़ा देना। वो ब्रीडर तो भाई साहब सवेरे उठ के 6 बजे रात को 9-10 बजे तक ये नहीं पता होता भाई के कहाँ पड़े हैं, फिर बाद में सारे दिन मेहनत करनी पड़ती है ब्रीडर को। ब्रीडर का और ब्रोकर का तो कंपैरिजन कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। नहीं, कई ब्रोकर अपने आप को ब्रीडर कहते हैं, उनके लिए आप कहना चाहते हो कुछ? देखो ऐसा है जी, चाहे कोई बुरा मान जाओ चाहे कोई भला मान जाओ, जो बात सच्चाई है वो ये है, ब्रीडर का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं ब्रोकर के साथ। अगर कोई ब्रोकर अपने आप को ब्रीडर कहता है ना, तो सारी दुनिया को पता है कि भाई वो ब्रीडर नहीं है, वो ब्रीडर नहीं है, वो ब्रोकर है। चलो इसी चलो हम ज्यादा नहीं खींचते इसको, लोगों आजकल लोग समझदार हो चुके हैं, हमारे स्कूबर फैमिली तो वैसे बड़ी समझदार हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने डॉग सिखा देंगे जी। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, त्यागी जी का चैनल जो नया सेटअप है, त्यागी जी नाम तो वही रखा है, त्यागी रॉटवाइलर्स, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है त्यागी रॉटवाइलर के नाम जी, 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 जी। आप इनको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, वैसे इस वीडियो में मैं नंबर दे दूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि अगली वीडियो डालने में हमें 10 दिन लग जाएंगे, और 10 दिन के बाद वो वीडियो हम तैयार कर लेंगे जिनके सभी डॉग इनको आपको दिखा देंगे और क्या क्या क्वालिटी है वो भी दिखा देंगे। ओके थैंक यू त्यागी जी, धन्यवाद कार्तिक जी आपका आने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, मैं गेट बंद करो, बाहर से निकाल दो। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू।